हम डुएट गाय के प्लानिंग में ना आए भैया, हमार बात पहले ही हो गए रहे इनकर से। जहाँ तक बात रहे कमिटमेंट के, तो धरती पर कमिटमेंट पे पक्का रहे जीवन। हम के कलाकार हैं, केहू कुछ कही हमने के सुने के बाटे, बाकी बिकू जी वहां तक कही नहीं हमरा के आदर दे नहीं। बिकू जी के हमेशा हमार बहुत अच्छा दोस्त बने, ऐसे हम मंच पे खड़ा हो गए नहीं इनकरा कर देने को जोरदार ताली रे सभी बजा दे, ताकि काल के फिर ना केहू कहे कि अनुपमा यादव बड़ी घमंड आ गेल बा, गोइल त बाकी रुवाइल ना। आप मेरे दोस्त हैं और आजीवन रहेंगे। आपके दोस्त अमित भी हैं। वो मेरा भाई है। हाँ। आओ जी इधर आओ मुस्कान। अरे हम इनके भी भाई हैं। तुम्हारी मुस्कान बहुत अच्छी है। आज मुस्कान का बर्थडे भी है। अरे मैंने स्माइल की बात की है भैया। मर्द ऐसे नहीं चाहिए। आप देखिए आप दो तरह से बोले। आप मेरी गर्लफ्रेंड का नाम भी मुस्कान है, उसके बारे में बोले और इसके बारे में बोले। बिल्कुल एक मिनट इसको मर्द कहा जाता है भैया, एक जोरदार ताली इसके लिए बजाइए। एक्सेप्टेड ब्रो, दिल से ना प्यार किया अमित। बिल्कुल आपको मर्द इसलिए कहा जाता है कि आप कहीं भी नाम ले लेते हैं अपनी गर्लफ्रेंड का, बढ़िया बात है। हेलो 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 एक सेकंड हेलो और कि भैया लेके आई ले रे घर में कुवार भाऊ जाई आप जब गाते थे तब हम लोग पढ़ते थे, इस लाइन में थे भी नहीं। आपका गाना जब हिट हुआ था जहानाबाद वाला गाना जब हिट हुआ था, अच्छा अभी तो बोले कि आपका शब्द भी हम गाए। अनुपमा जी बहुत मंच केहू कहीं करा ले, अनुपमा यादव के बिना वो अधूरा रहेला हमेशा हर जगह, और हमार सौभाग्य रहे कि हम उनका साथे मंच करत रही हर जगह। उनका चलते हमरो नाम भइल कि हम मंच पे गाना उना गाही ला। नहीं नहीं, नहीं, नहीं ये गलत बात है, उनका नाम पहले से था मगध में, मुझे इन्हीं की वजह से लोग जानते हैं, ये बात सही है। ये नहीं बिल्कुल, मैंने कहा ना कि वो गाना जो सबसे ज्यादा हिट हुआ था, ए गोरी तो हरो तमन्ना रहे प्यार पहले रहू ना है, वो गाना मुझसे होने के बाद जा बहुत सारा प्यार मिला करा दे लो। आज अनुपमा जी मेरे घर पे आई हैं, मेरे घर पे आई हैं, क्योंकि नवादा जहानाबाद में दूरी का बा, अनारो भी हमारे घर बा, नारो मुरा हमेशा ही ला हम। अनुपमा जी आप फ्रंट में आइए ना प्लीज। जो भी हो जाए पब्लिक हमेशा जो हमारे श्रोता हैं वो लोगों को देखना चाहते हैं, क्योंकि इसकी और प्यार का मजा लीजिए थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए इंतजार का मजा लीजिए मुझे खुद की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, सबसे बड़ा रीजन ये भी था खड़े ना होने।
के हुगामी पूरा करता हमारा हमारे कम से कम करीब लगता है कि बोलो भैया हमने के 2020 एगो कार्यक्रम में हाँ ठीक बा धनचुहा गांव रहे मुकेश भैया वो गांव में हम पहला बार अनुपमा जी तो बहुत पहले से काम करी लेकिन वो गांव में हम मिले नहीं इनका से ओकर बाद हमने के इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन बन गए कि हमने हर मंच पे साथ प्रोग्राम करी। आज के डेट में अनुपमा जी मंच के कलाकार में मतलब लेडीज कलाकार में सबसे बढ़िया कलाकार बनी और ये यूपी से आके अब बिहार के हर कार्यक्रम कर ली हर जगह जाए ली सब लोग इनका के बड़ा मानी ला का है कि अनुपमा जी दिल की बहुत अच्छी है स्वभाव भी बड़ी अच्छी है एक त्रुटि बा कि दूसर के बात सुन ली कान के खर्चे वाली का है कि दिल की बोली है इनको आप जो बोलिएगा वो ये सुनती है। नहीं नहीं ये बात सही है कि हम कान के कच्चे हैं हम तो कान के कच्चे हैं लेकिन क्या आप बड़े अच्छे हैं। अनुपमा संगत से गुण होता है संगत से गुण जा अब रहुए कान के कच्चा बने आपके साथ हम रोज कार्यक्रम करते नहीं तो हम हूँ कान के कच्चा हो गए। हाँ तो एक बात जान लीजिए इसकी आज सुनिए इसका हेलो मजा लीजिए गलू भैया जब जवाब देने के लिए बुलाएगा तो जवाब ही सुनिए नहीं नहीं खुले रहिए विचारों से मगर बंधे रहिए संस्कारों से ये बात बहुत बड़ी है और आप में देखो तुम्हारी तारीफ कर रहे देखो इनका साउंड देख लो पिटाई बोल रहे ना करो भैया ऐसा जो प्रेम गली में आए नहीं जीवन के कोनो मोड़ पे कहीं भी मिलब तो एक दूसरा के साथ है अगर हम कहीं दब जाएला कहीं अगर हम कमजोर हो जाएला तो हमके अनुपमा बहुत साथ देले बाड़ी मतलब मान के चले कि एक दोस्त नियन हाथ पकड़ के और उठा के जौन जगह पे रही अगर नीचे गिर गई तो वहीं पे पहुंचा दे बिली फिर भी तो आप भटक गए थे हो इश्क और प्यार का मजा लीजिए इश्क और प्यार का मजा लीजिए थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए बोलो काहे केहू भटक जाए आज ले तो हमने सुनी है कि केहू अपन माई बाप से भटक गए हैं कबू ना कहीं ना कहीं त्रुटि होगा क्योंकि हम राम नहीं है तो हमको सीता नहीं मिलेगी क्या आप सीता हैं तो आपको ओनली ओन राम मिलेंगे कहे कि तुर भुलाए खाती तुम तुर भुलाए खाती
से कम दारू पी ही ले आके देखा ये सनम कैसे सी ले लेकिन बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा सलामत रहे मस्ताना हमारा बने चाहे दुश्मन इसलिए ना कार्यक्रम तो हमने के रोजे रहे राज्यों में रहे और ये सब दुर्गा पूजा में सौभाग्य ना मिले की हमने दोनों एक साथ कार्यक्रम रांची में दोस्त मानता है ना रांची में सबसे ज्यादा साइलेंट बैठा था पूछने पे कहता है यार दोस्त में भटक गए थे नहीं हाँ गोपियों की संख्या थोड़ी ज्यादा थी इसलिए भटक गए गोपी के फेरा में ही कृष्णा रह ले हेलो मिस्टर शिव आप सुनिए आपको हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा ठीक ना याद रखिएगा भाई दोस्त बोलो तो दोस्त को सब पता होगा ना जी अनुपमा हाँ बोलो आप वहाँ जो कह रहे हो वो अलग बात है इसलिए आप नहीं इसलिए करेंगे प्यार में सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में अब भाई हम एक चीज बोलते रहे आप कई लोगों के साथ मंच करिए लोग हमारे निजी जीवन का टॉपिक उठा करके मंच पे बोलते हैं मैं खुले मंच से बोलती हूँ काहे नहीं कि हमारा सामने हमारा पर्सनल लाइफ के बारे में बोलते हैं आपको मौका देते हैं तो लोग आपके बारे में बोलते हैं हमको जो लोग बोलते हैं हम सुनते हैं क्या क्यों सुनने का भाई खर्चा चलाता है क्या कोई हमारा इसलिए ना सुनते हैं ना गलत बात इसलिए सुनते हैं क्योंकि रावण काहे मरल रहे रावण काहे मरल रहे ब्रह्मांड के सबसे ज्यादा शक्ति रावण में त्रिलोक खिलावे वाला काहे मरल ओकर अपन रावण के अपन विभीषण ओकरा साथे न रहे नहीं आप जानते हैं इसलिए नहीं आपका छी आज ना तकाल मिलबू बनी है आस से आज ना तकाल बनी है आस प्यार हम करीला ओह से पहले लागे हमारा बाबूजी के पास से डर लागे हमारा बाबूजी के पास प्यार हम करी आपको पता है आप रहते ना कोई सम्राट जिला देते केहू के औकात है ही है अच्छा एक मिनट भैया ये आपका क्षेत्र है ना इसलिए आपके क्षेत्र के अब हमारा बिना तोहरा प्यार लागे मिल गाइल दोसर कोनो लेकिन हेलो रुकिए आपका क्षेत्र है और आपको लोग बहुत मानते हैं आपको ज्यादा मानते हैं अनुपमा की ज्यादा माने इसीलिए मैं नहीं बोलती ये बात भी बोलने ही नहीं देता है आदत नहीं छूटती तुम्हारी एक चीज है कि आपका क्षेत्र आपके क्षेत्र में बता रहे हैं याद रखिएगा जो आपके साथ बैठे हैं वो आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं आप कहाँ जाते हैं क्या करते हैं किसके साथ रहते हैं तू तो हमारे साथ रहो तो कहाँ दुश्मन हो गए मैं एक मिनट मैं दुश्मन होती ना तो इस मंच में आपके साथ खड़ी नहीं होती आपके आने पर मैं खुद मना किया था कि अगर ये आएंगे तो हम नहीं तो क्यों आ गए आप मेरा हाथ पकड़ इसलिए आ गया
कि अभिनव भैया के मंच मैं कभी छोड़ता नहीं, इनका बोलने पे मैं कहीं भी आ सकता हूँ, क्योंकि आपने ही कहा था कि जाना मंच पे बिकू रही है अनुपमा ना जाए। हम तो लगातार एक मिनट आज अगर बात खुली रही है तो सुनिए, आप बड़े अच्छे थे क्या? आप अच्छे थे बताइए, लोग जानते हैं, लोग तो जानेंगे ना, महात्मा बन के जो आप बैठे हैं लोग तो जानेंगे। अरे तो कौन बाबा, कब अब हम बता रहे हैं इनके पीछे की सच्चाई, जरा कॉर्ड दिखाइए तो हम गा के बताएंगे, लड़ाई थोड़ी करेंगे। कि बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है, और जो भगवान करे ना आपकी लाइफ में बहुत अच्छी लड़की आई, लेकिन खूबसूरत बहुत है तू, लेकिन खूबसूरत बहुत है तू, लेकिन जिस आदमी के नाम से इस आदमी ने मुझे बदनाम किया, जी वही आदमी के साथ कार्यक्रम कर रहा है। दिल लगाने के काबिल नहीं दीजिए, झूठ में मेरे इसमें लड़ाई हो जाएगा। अरे अब दीजिए माइक, अब कितना लड़ाई हुई, छोड़ो एक आध को गाना जब आई बोलूं तो हम तो इतनी देर से कह ही रहे कि गाओ गाओ, तो तुम ही लड़ाई कर रहे हो दोस्त हमारे, कि तुम सीता नहीं हो, तुम राम नहीं हो, तुम तो रावण हो। अरे हम अपने आप को कहते नहीं, हम तो खुद रावण हैं, तुम रावण हो। फिर तुम भी बात मिला दिए मुझे, दोस्त मेरी बहुत अच्छी, ओए रहुआ कहे भी चिम चिम अभिनव भैया की तरफ से लाओ ना हमारे। अरे तुम रख लो यार, भगवान करे तुमने जितनी मेहनत की है जीवन में तुम उससे भी ऊपर जाओ और सफलता की बुलंदियों को छुओ, लेकिन किसी पे आरोप और इल्जाम लगा के नहीं। मैं जीवन में किसी लोग अपने जीवन का वही कैरेक्टर आपको बताएंगे ना जिसमें वो अच्छे रहेंगे और मैं बुरी रहूंगी, याद रखना। जीवन में कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। शैलेंद्र शर्मा मेरे पापा जी, संगीता देवी मेरी मम्मी और अनुपमा यादव, इस पे अगर कभी भी आंच उठ गया तो फिर बिकू रह के क्या करेगा, आपको भी पता है। मेरी जिंदगी, अरे कुछ अच्छा गाओ यार। हम बानी में तुम्हारा ढेर जरूरत पड़े, हम तो दे नहीं समझे कि ओकरे के दे, हम बांधी में ले ले बकरा से वो ओकरे के दे, गरज नहीं है थोड़ा सा हम रखता हूं। फिर आपके साथ जाएंगे, लोग कहेंगे कि अनुपमा के चलते बिकुआ ही हुआ ना, कल से फिर जे तोरा संगे मंच करत रहलो वो कहिए क्या जे तुम फिर से मिल गए, बड़े झूठे पागल, अब तुम कहीं भी कुछ हो ना, चांदी क्या करेंगे